हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नया इंटरेस्टिंग व्लॉग में। अभी टाइम हो रखा है दिन के 12 बजे और आज रितिका जा रही है हल्द्वानी। इसका हाथ काफ़ी मतलब अब सही हो गया है, अब हल्द्वानी जा रही सही तो नहीं हुआ, दिखाने जा रही हूँ। वहाँ दिखा लेगी मतलब, और अगर दिक्कत होगी तो वापस आ जाएगी। एक भैया है हल्द्वानी के हमारे पहचान के, तो आए थे, उनके साथ ही जा रही है, तो मैं वहाँ तक छोड़ने जा रहा हूँ इसको। कितनी काली आ रही है बस हो स्टेशन तो तक हो रही जाऊँगा, हूँ तू फिर वहाँ से काली चले जाएगी। वो भैया हैं तो उनके साथ चले जाएगी, वो आए थे ना किसी काम से, तो उनके साथ ही चली जाएगी ये भी, इसको भी। तो हमारा सही हो गया, वरना फिर मेरे को जाना पड़ता है या कोई और जाता, देखते हैं। और अगर दिक्कत होगी तो फिर लेने चले जाएंगे, क्यों अम्मी? या जो भी सीन होगा देख लेंगे, अगर आने होगा हाँ दिखा लेना, फिर ठीक दिखा लेगी हो वहाँ। जाएगा मुझे। दिखाने के लिए वहाँ भैया लोग, दीदी, भाभी लोग सब हैं। चले फिर, हाँ जाओ सब रख लिए हैं बैग वैग। बैग कहाँ है इसका? अंदर है बैग वैग। चलो पाँव वाँव छू लिए थे मम्मी के? चलो चलो, ये है बैग। चल लेती का, चल लेती का, चल लेती का, हो गया। चलो फिर भाई, आज मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी दिख रहा होगा तुमको। चले रीति का, ऐसे सोच रहा हूँ वहां से अगर मूड बन गया तो मैं अभी निकल लूंगा मम्मी। मम्मी तो तैयार, मम्मी के रीत जा। तो गाइस, इसने मुझे गिफ्ट दे दिया था, वैसे रुपए दिए हैं कुछ खरीद लेना, अगर गिफ्ट या ना हो। गाइस उन्होंने 1000 रुपए दिए एक हिसाब से, क्योंकि परसों मैं इससे नेट कर रहा है गूगल पे से, तो मैंने इसको 2 रुपए भी नहीं दिए थे, ठीक है, सही है। पर तेल के 200 रुपए मैंने दिए थे। गाइस मैंने उसको बैठा दिया रितिका को, वो दो लोग हैं तो चले जाएंगे वैसे आराम से, क्योंकि आजकल जो ऐसा हो रहा है ना, अरे यार यहाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ, आजकल ऐसा हो रहा है वो जो रास्ता है वो बंद है, तो घूम के जा रही गाड़ी रामगढ़ से, तो उसमें थोड़ी दिक्कत है, तो लंबा रास्ता है ना, कल खुल जाएगा वो। पहले रितिका तो वहीं से आई थी, पर अब जाने में लंबा जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और मेरे को बैंक से रुपए भी निकालने थे, क्योंकि मुझे एडमिशन कराना है अपना कॉलेज में 3rd सेमेस्टर के लिए, तो रुपए निकालने जरूरी थे। रितिका को ATM चाहिए था, पुलिस आ गई। खैर मुझे क्या कर रही, मेरे को क्या, पर गाड़ी में डर लगती है जब 2 व्हीलर ले आता हूँ ना, मुझे पता नहीं अंदर से डर जैसे लेते, लाइसेंस नहीं है ना, तो थोड़ा सा अंदर से डर रहता है, लाइसेंस आ जाएगा फिर डर नहीं रहेगा। तो मैं रुपए भी निकाल लिए, रुपए निकालने थे ना कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए, वो निकाल लिए। हमें समोसे देखता हूँ यार, मिलेंगे तो समोसे। हाँ संडे मार्केट लगती है, हाँ संडे मार्केट की पूरी शॉप्स लगी होंगी ना, सब बैठ रहते हैं वो लगा के, क्या कहते हैं उसको, फेरे वाले बैठ रहते हैं आज सब। गए थे देखो, सब फेरी वाले लगे हैं ऐसे, इस साइड देखो उस साइड देखो, हर जगह भीड़ तो है ही यार, रोज की उतनी नहीं है पर है ही, भीड़ काफ़ी है। लोग संडे मार्केट भी आते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, देखो इस साइड देखो वो सब लगे हैं, ये देखो इसको लेना आ सकता है संडे के दिन। तो गए थे पीछे देख रहे हो कन्हैया लाल की, वहीं से लेता हूँ मैं समोसे, कब से वहीं से ले रहा हूँ, अब वहीं के लेता हूँ, और जो मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगते। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ जो हमारा पुराना स्कूल था वहाँ पे, उस रास्ते पे पीछे सनलाइट पड़ रही होगी तो फेस नहीं दिख रहा होगा उसके लिए, अभी छाया आ गई तो बहुत थकान हो गया। फटाफट आता हूँ ना, अकेले होता हूँ तो मेरे को आराम आराम से अजीब से लगता है, फटाफट चलता हूँ मैं। मार्केट इतनी भसड़ होती है, ब्लॉगिंग करने लायक ही नहीं होता, बंदा ट्राई भी करे कोई आगे ठुकता है कोई पीछे ठुकता है। तो गाइस घर आ चुका हूँ मैं, और सबसे पहले काम मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने मुँह हाथ धोए, उसके बाद सबसे पहला काम, इम्पोर्टेंट काम, समोसे खाने। हाँ ये समोसे में तो यार जीवन है, जीवन समोसे, मतलब समोसे मीठी चटनी के साथ, वो समोसे छोले वो सब अलग सीन हो गया, पर जो समोसे मीठी चटनी के साथ जो आए हाय। मैं बहुत कम खाता हूँ ऐसी चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा कम, ऐसे मैं सोचूँगी रोज़ खाता हूँ बहुत। हाँ मम्मी बता दो, खाता हूँ क्या, कब खाता हूँ? खाता ही है कभी कभी, कभी कभी बहुत टाइम, और बीच में तो मैंने कितने महीनों से कुछ खाया ही नहीं था, कितने टाइम बाद खाया मैंने। हाँ जब खाता हूँ फिर अब चाहिए रहते हैं 2-3 तो। मैं तो मम्मी भी खा लेगी, 3 ले आया था, ज्यादा ज्यादा अच्छा भी नहीं आता ना, मैं तो 2 खा लूंगा, 1 मम्मी खा लेगी, और अच्छा ही है वैसे मम्मी का। एक आज है ना बुढ़ दीपावली, आज तो शाम को कुछ करेंगे, दिए भी जलाएंगे पटाखे। तो वैसे आज बुढ़ दीपावली है, आप सही, बुढ़ दीपावली की शुभकामनाएं हमारे परिवार की तरफ से, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मम्मी और मैं व्लॉगिंग फिर से करेंगे, बीच में थोड़ा वो हो गया था ना, रितिका चलेगी। नहीं नहीं हो पता ना, थोड़ा हाथ वाथ का हो रहा था, मन भी नहीं कर रहा था व्लॉगिंग का, और सही नहीं आता ना ऐसे व्लॉगिंग होना, तो मैंने एक दिन छोड़ के किया था, अब ट्राई करूंगा कि डेली करें, क्यों मम्मी। थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे कुछ कुछ, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और आज मम्मी का व्रत भी है, क्योंकि आज बुढ़ दीपावली है, शाम को देखेंगे क्या क्या करते हैं, कुछ खास तो होगा नहीं, वही दिए भी जलाएंगे, कैंडल्स जलाएंगे और पटाखे फोड़ेंगे थोड़े बहुत हैं। और अभी मैं थोड़ा रेस्ट लूंगा, क्योंकि कल मैं इतनी लेट सोया ना, कल मम्मी हमको इतना टाइम हो गया था, 1 बज गया था,
वो रितिका की अंगूठियां वो कर देते, रितिका उंगली सीधी कर देते और अंगूठी वो कर नहीं निकली, बहुत ट्राई किया, मतलब बहुत ऊपर आ गई थी और उंगली भी काफी सीधी हो ऐसे करके बैठी थी, वो भी थोड़ा लोच करेगी तो ठीक आ जाएगा, वरना ऐसी ऐसी रह जाएगा, सहन तो कर रही पर जो भी है मैं तो नहीं कर पाती, नहीं हो पाता ना, बहुत खतरनाक होता है जलेगा। और एक बजे ये लोग सोए, फिर थोड़ा बहुत मैंने वीडियोस वगैरह देखी तो मेरे को भी 2:30 बज गया था, इतनी लेट सोया तो आंखों में अजीब सा रहता है ना, तो अभी थोड़ा रेस्ट लूंगा उसके बाद होगा जो भी होगा। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 6:10 शाम के हो रहे होंगे आप दिन में क्या मैं भी क्या बोलता हूँ शाम के टाइम हो गया, शाम के ऐसे बोल रहा जैसे सुबह के, मतलब बताया था ना क्या पता लोग अगला दिन की सुबह, तो आज है बुढ़ी दीपावली, मैंने पहले ही बताया था। तो अभी मम्मी दिए तैयार कर दिए बाहर रखेंगे, बाहर एक दो जगह रखेंगे और एक तुलसी पे भी रखेंगे ना, हाँ एक तुलसी पे रखेंगे और एक दो जगह और रखेंगे, खिड़की वगैरह पे रख देंगे। परसों को होगा उद्यापन, उद्यापन कैसा? तुलसी की शादी, शादी तुलसी जब ससुराल चले जाती है तुलसी तुलसी ससुराल शस पता नहीं है तुलसी की शादी कर तुलसी ससुराल जाती है, उद्यापन होता है उसका, ठीक है। तो अभी हम दिए जलाएंगे क्योंकि कैंडल्स थी हमारे पास, वो कैंडल्स पता नहीं कहाँ गई, हम लेके आए थे 3-4 पैकेट उस टाइम पे दीपावली के टाइम पे, अभी वो मिल नहीं रही, अब क्या करें, अब छोड़ो नहीं मिल रही, ढूंढी मैंने, मम्मी ने भी ढूंढी पर मिली नहीं, अब दिए ही जलाते हैं। रितिका के चक्कर में सब अस्त व्यस्त हो गया ना। हाँ हाँ रितिका का वो दिवाली से पहले दिन ही हुआ था ना, तो तब से सीन थोड़ा, चलो जो भी है हमने फिर भी अच्छे से मनाया जो भी है, अभी दिए जलाते हैं। तो वैसे अभी चल रहे हैं दिए लगाने बाहर, खिड़की और तुलसी पे लगाएंगे, दो यहाँ पे रख देते हैं खिड़की पे, एक यहाँ पे एक उस साइड पे। ये भाई लाइट है जो बार बार डीम हो जा रही है क्योंकि इसका जो कनेक्टर है जहाँ जोड़ रखा है वो ढीला हो जा रहा ना, तो बार बार इसको सही करना पड़ रहा है। तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये वाली पूरी डीम हो जा रही है, अभी देखना सही करता हूँ, हाँ देखना हल्का हिलाऊंगा, ये देखो ऐसे सही हो जाती है। और गए हमारे तुलसी यहाँ पे भी है तो हमने यहाँ पे जला दिए दिए, वरना तुलसी में यहाँ पे जला रहा था मैं उस टाइम पे। भाई मम्मी कर रही यहाँ पे पूजा मस्त से। हे गाइस गुड आफ्टरनून, अभी टाइम हो रखा है दिन के 2, ये अगला दिन है, कल मैं कह रहा था ना बुढ़ी दीपावली है पटाखे फोड़ेंगे, मतलब मैं सोचे पटाखे फोड़ूं बाहर, मैंने निकाले भी पर यार मन जैसा भी नहीं हुआ, मतलब ऐसा लगा था क्या जो कर रहा हूँ, मतलब मन जैसा नहीं हुआ ना पटाखे फोड़ने का, मैं नहीं फोड़े पटाखे तो पड़े थे बहुत सारे पर फोड़े नहीं यार, रुक मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ रखे हैं पटाखे, ये देखो इसके अंदर है ना पटाखे, देखो इसमें इतने सारे पटाखे थे ना, पूरा भरा है, इसमें फुलझड़ी हो गई और 12 शॉट नहीं कितने 15 स्टार है वो 15 शॉट, और थोड़े बहुत वो मुर्गा छाप, इसके अंदर अनार भी है, अनार भी हैं, घन चक्कर भी थे, और ये वाले बॉम्ब दो बहनों वाले, ये देखो ये सब बॉम्ब थे। और कैसा भी बाहर मौसम में पूरी धूप, खतरनाक धूप, चट्ट धूप आ रही है और बादल भी लगे हैं हल्के हल्के, और ये जो रोड है ना इसका भी अब शायद काम स्टार्ट हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी कुछ लोग यहाँ पे देखने आए थे तो शायद से वो काम करने वाले ही थे, तो जो भी होगा अब स्टार्ट हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, हो भी जाना चाहिए, कोई गाड़ियाँ तो आनी जा नहीं पा रही यहाँ से। और जैसा कि तुम लोगों को पता चल गया हो कि मैं ब्लॉग अब डेली 3 बजे डाल रहा हूँ, शाम को जब भी डाल रहा हूँ मतलब 3 बजे डाल रहा हूँ, एक दिन छोड़ के डाल रहा हूँ मैं ब्लॉग कुछ टाइम से, मतलब एक दिन डालो एक दिन डाल रहा हूँ एक दिन डाल रहा हूँ ऐसा कुछ, तो 3 बजे तैयार रहना डेली ब्लॉग देखने के लिए, और पहले मैं डालता 11 बजे, अब मैं डालने लग गया हूँ 3 बजे फिलहाल, जब तक देखने 3 बजे कब तक है, अगर टाइम सही नहीं हो पा रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो टाइम सही नहीं है, बाकी तो 3 बजे ही डालूंगा फिलहाल। और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना, मिलते हैं जल्दी एक और नए मस्त से व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहो और मस्त।